लो स्टूडेंट्स आज हम लोग देखेंगे व्हाट इज इंडिविजुअल डिफरेंस अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी बैरियर्स एंड चैलेंजेस इन मैनेजिंग डाइवर्सिटी मैनेजिंग डाइवर्सिटी इन एन ऑर्गेनाइजेशन तो ये टॉपिक्स हैं ये इंडिविजुअल एक्सेलेंस एंड कारपोरेट सोशल डायनामिक्स के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मैनेजमेंट स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो चलिए देखते हैं सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल सो व्हाट इज इंडिविजुअल डिफरेंसिस वी इन स्पाइट ऑफ बिलोंगिंग टू अ कॉमन स्पीशीज नोन एज ह्यूमन बींगस हैव अवर ओन इंडिविजुअलिटी विच कंट्रीब्यूट टूअर्ड्स द वेरिएशन एंड डिफरेंसिस फाउंड एंड अस इट इज दीज डिफरेंसिस दैट आर एन टाइटल्ड एज इंडिविजुअल डिफरेंसिस तो इंडिविजुअल डिफरेंसेज क्या है सारे तरह के डिफरेंसिस ओके okay? जो भी हमारे ह्यूमन बींग्स में हैं अकॉर्डिंग टू द रेस कल्चर सोसाइटी सब So it includes systematic study of intelligence and abilities associated with personality of learner, learning styles, and needs and interests of learner. Learning is most effective when differences in learner's language, culture, and social behavior are taken into account. A teacher, trainer should be sensitive to individual differences. तो जब तक हम इंडिविजुअल uh, डिफरेंसेस नहीं देखेंगे तो उनकी लर्निंग स्टाइल हम नहीं देख पाएंगे और जो स्किल ट्रेनिंग होती है वो भी हम अकॉर्डिंग uh, उनका पूरा uh, मतलब ये कह लीजिए कि पर्सनालिटी को यूज करके हम उनका पूरा यूज नहीं कर पाएंगे और दे नहीं पाएंगे क्योंकि एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट सो उनका ट्रेनिंग स्टाइल्स भी अलग अलग होता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस स्टैंड्स फॉर द वेरिएशन और डेविएशंस अमॉन्ग इंडिविजुअल्स इन रिगार्ड टू अ सिंगल कैरेक्टरिस्टिक और अ नंबर ऑफ करेक्टरिस्टिक्स दिस डिफिनेशन वॉज गिवन बाय काटर बी कुड इंडिविजुअल डिफरेंसेज स्टैंड फॉर दो डिफरेंस विच इन देयर टोटैलिटी डिस्टिंगश वन इंडिविजुअल फ्राम एन अदर इंडिविजुअल डिफरेंसेज स्टैंड फॉर द वेरिएशन और डेविएशंस अमॉन्ग इंडिविजुअल इन रिगार्ड टू अ सिंगल कैरेक्टरिस्टिक और अ नंबर ऑफ करेक्टरिस्टिक्स तो एक करेक्टरिस्टिक पे भी अंतर हो सकता है बहुत सारे करेक्टरिस्टिक्स पे भी अला, लोग अलग अलग डिफरेंट होते हैं नाउ टाइप्स ऑफ वराइटीज़ ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस फिजिकल डिफरेंस होता है इंडिविजुअल डिफर इन हाइट वेट कलर ऑफ स्किन कलर ऑफ आईज एंड हेयर स्पीच एक्सेट्रा मेंटल डिफरेंसेस डिफर इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ एंड कैपेसिटीज रीजनिंग क्रिएटिव एक्सप्रेशन कॉन्सेंट्रेशन एक्सेट्रा डिफरेंस इन अचीवमेंट इमोशनल डिफरेंसेज सोशो इकोनॉमिक डिफरेंस डिफरेंस इन इंटरेस्ट एटीट्यूड एप्टीट्यूड

to understand individual differences because they influence the feeling thoughts and behavior of employees to un kisi bhi manager ko ya boss ko ya uh, authoritative figure jo bhi hai उनको अपने employees के thoughts को समझना ज़रूरी होता है feelings को समझना ज़रूरी होता है क्योंकि उनको best output उनसे निकालना होता है तो जब तक वो individual differences नहीं समझेंगे लोगों में सबको एक तरीके से नहीं हम देख सकते तब तक हम उनसे बेटर बेस्ट आउटपुट नहीं निकाल सकते द प्रॉब्लम ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस कैन बी टैकल्ड विद मल्टी डायमेंशनल टास्क सेलिब्रेटिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन सोसाइटी तो एक्सेप्टेंस अलग अलग लोगों का सोसाइटी में वो बहुत जरूरी है ये नहीं कि अलग अलग अगर हम समझेंगे जैसे अगर कोई काला है कोई घोरा है कोई फिजिकली डिफरेंट है कोई मेंटली डिफरेंट है कोई रीजन, रीजनल रीजनल लेवल uh, पे अलग है लेकिन सबको हम जब इंक्लूड करते हैं तभी हम उसको सेलिब्रेट कर पाते हैं एट ऑर्गेनाइजेशनल लेवल इंडिविजुअल डिफरेंसेस कैन बी सीन एट थ्री ओवरलैपिंग क्लस्टर्स कॉगरेटिव एबिलिटीज प्रिफरेंसेज इंटरेस्ट एंड वैल्यू एंड पर्सनैलिटी अवर डिफरेंसेज ब्रिंग अस टूगेदर नॉट सेपरेट हमारा जो इंडिया है मल्टी कल्चरल इन्वामेंट है यहाँ पर तो ये हमें एक साथ लाता है हमें अलग नहीं करता है

Workplace diversity refers to the variety of differences between individuals in an organization. Diversity not only includes how individuals identify themselves, but also how others perceive them. So, ये डेफिनेशन आगे आपका workplace diversity का बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका मतलब सिर्फ इंडिविजुअल डिफरेंसेस नहीं होता है, मलती दूसरे लोग आपको कैसे परसीव करते हैं ये भी workplace diversity में आता है। Diversity in the workplace means that there is an array of differences among employees, such as race, ethnicity, gender, age, religion, and education. Over the past few decades, increasing diversity within various business industries has become more common. Four types of diversity: we internal, external, organizational, and worldview. Culture, race, ethnicity, disability, religious and spiritual beliefs, transgender, etc. बेनिफिट्स ऑफ पर्सनालिटी क्या क्या इसमें आ जाते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस के डाइवर्सिटी के वराइटी ऑफ डिफरेंट परस्पेक्टिव इंक्रीज क्रिएटिविटी हायर इनोवेशन फास्टर प्रॉब्लम सॉल्विंग बेटर डिसीजन मेकिंग इंक्रीज प्रॉफिट्स हायर एम्प्लॉय इंगेजमेंट एक्सेट्रा तो अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे तरह के लोग हैं अलग अलग रिलीजन रीजन रेस और जेंडर और सब तरीके के तो उसमें क्या होता है कि आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग जो होता है वो फास्ट हो जाता है इनोवेशन और क्रिएटिविटी बढ़ जाती है और प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो जाती